नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत का झगड़ा अब पार्टी के कुनबे से निकलकर कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और आला कमान यानी सोनिया गांधी ने मिलकर सचिन पायलट के खिलाफ एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। आपको बता दें कि जल्द ही उस ब्लूप्रिंट को अंजाम तक पहुंचाकर पायलट के खिलाफ एक डबल गेम खेला जाने वाला है। क्या है वो डबल गेम और इस डबल गेम के बाद पायलट का क्या हश्र होने वाला है, उसे विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट के राजनीतिक घमासान का पहला राउंड सियासी हुनर और शक्ति प्रदर्शन के इम्तिहान का था, जिसमें मुख्यमंत्री गहलोत पास हो गए। अब दूसरा राउंड अदालती चौखट पर पहुंच चुका है। अपने सियासी वार से पायलट को पैदल करने वाला गहलोत कैंप अब सरकार की स्थिरता को लेकर बिल्कुल निश्चिंत है। सचिन पायलट की अगुवाई में बागी विधायकों ने स्पीकर से मिले अयोग्यता नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन फिर भी गहलोत खेमा बेफिक्र है इस बात से कि फैसला चाहे जो भी आए, कांग्रेस साला कमान और गहलोत ने पायलट को पैदल करने का एक्शन प्लान तैयार कर रखा है। अगर पायलट कैंप इस अदालती लड़ाई को जीत भी जाते हैं तब भी उन्हें या तो पार्टी के साथ आना ही होगा या फिर विधानसभा सदस्यता से हाथ धोना पड़ेगा। अब आइए आपको बताते हैं कि गहलोत और सोनिया का पायलट के खिलाफ तैयार किया गया डबल गेम आखिर है क्या। कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पायलट कैंप पर ऐसा शिकंजा कसा है कि चक्रव्यूह से निकलना उनका आसान नहीं होगा। दरअसल राजस्थान में मध्य प्रदेश की कहानी ना दोहराई जाए, इसके लिए कांग्रेस आलाकमान ने वक्त रहते ही मोर्चा संभाल लिया है। पायलट को डिप्टी सीएम और राजस्थान कांग्रेस के चीफ पद से हटाने के ठीक बाद सोनिया गांधी ने सूबे में पार्टी के पूरे संगठन को ही मत दिया। बतौर प्रदेश अध्यक्ष पायलट ने अपने 7 साल के कार्यकाल में संगठन में अपने जितने भी लोगों को जगह दी थी, एक झटके में उन सभी को उनके पदों से हटा दिया गया। यह सोनिया गहलोत का पायलट पर पहला सीधा वार था। दूसरे वार का भी ब्लूप्रिंट अब पूरी तरह तैयार है। अगर हाईकोर्ट का फैसला पायलट खेमे के पक्ष में गया तो सदन में बहुमत परीक्षण को लेकर पार्टी फिर से व्हिप जारी करेगी। तब पायलट और उनके समर्थक विधायकों को सदन में व्हिप का पालन करना ही होगा, नहीं तो उनको अयोग्य ठहराए जाने की प्रक्रिया और आसान हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। तो देखा आपने कि किस तरीके से अब आलाकमान इस तैयारी में अशोक गहलोत के साथ मिलकर जुट गया है कि जो गलती उनसे मध्य प्रदेश में हुई वो गलती राजस्थान में नहीं होनी चाहिए, लिहाजा एक्शन मूड में आ गया है आलाकमान और लगातार अशोक गहलोत आलाकमान के साथ मिलकर ये विचार विमर्श करने में जुट गए हैं कि किस प्रकार से पायलट के कुनबे को और कमजोर किया जाए। दोस्तों, सियासत से जुड़ी जो तमाम ये उठा पटाख है, उससे जुड़ी जो तमाम अपडेट्स होंगी वो हम आपके समक्ष लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।